हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहीं से मैं ब्लॉग आप लोग के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, भगवान जी के दर्शन के साथ में, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और ये नवरात्रि के 9 दिनों का ही ब्लॉग है। जस्ट अभी पूजा की हूँ फ्रेंड्स, पहले हस्बैंड पूजा किए हैं, इसके बाद मैं पूजा की हूँ। बस नहा झाड़ू पोछा ये सब काम करी हूँ और लाइट ना मतलब ऑन नहीं है, किचन का भी ऑन नहीं है और इस वाले रूम का भी नहीं, इसलिए ना अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो मैं बस नहा वहा के आई और अभी जस्ट पूजा करी हूँ, चाय वाय कुछ नहीं पी हूँ। सुबेरे से अभी जा रही हूँ, फलहारी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, आज वो घर पर है तो खाने की इच्छा भी है, तो बनाऊंगी साबूदाना का बड़ा और मैं अपने लिए चाय और एक दो बिस्वई खा लूंगी। मेरा तो कोई फास्ट है नहीं, पर हस्बैंड है 9 दिन का फास्ट। तो ये देखिए फल्ली को रखी हूँ, ऐसे रोस्ट करके छिलका निकालूंगी, मिक्सी में पीसूंगी। आलू बॉईल हो गया है, उसको रखी हूँ हवा में ठंडा होने के लिए। और ये 1.5 कटोरी साबूदाना भी गर्म पानी में फुला के रखी हूँ, गर्म पानी में। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कर ली हूँ तैयारी, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सेंधा नमक, इतने का मैं चटनी बनाऊंगी। कुछ लोग अदरक भी डालते हैं इसमें, लेकिन मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, तो बस मैं इतने का चटनी बनाऊंगी। और ये मैं हरी मिर्च कट करके ले ली हूँ, धनिया पत्ती है, कड़ी पत्ती है और ये है सेंधा नमक और ये है फूला हुआ साबूदाना और ये मैं मिक्सी के जार में पीस कर रखी हूँ फल्ली का पाउडर। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ, बस आलू ला के फिर इन सबको मैश करूंगी। साबूदाना को मैं 1.5 कटोरी साबूदाना 1.5 कटोरी पानी ली थी, उसमें सोक करके रख दी थी, तो साबूदाना फूल चुका है। मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ इसलिए मैं गर्म पानी डाल दी थी। इसके बाद 4 आलू था, बड़े बड़े आलू को छील करके कट करके पानी में डाल के 1 सीटी लगा ली थी। और इसके बाद अभी ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैश करने के लिए डोंगे में डाली हूँ फलीदाना का पाउडर है, ढेर सारा फलीदाना का पाउडर है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती और 1.5 टीस्पून जीरा भी यहाँ पे ऐड करी हूँ और सेंधा नमक। सभी चीजों को अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे अपन आटा गूंदते हैं ना, उस टाइप का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलू को ठंडा करके फिर मैश इसलिए किया हूँ ताकि ना चिपचिप गीला गीला ना हो। हाँ, हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके बाद छोटा छोटा लोई लेके टिक्की बनाकर गोल गोल करके हल्का हल्का प्रेस करके ऐसे प्लेट में रख लेंगे, जितना जरूरत है उतना छानेंगे, बाकी फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और खाने के टाइम पे भी छान सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं पूरा बड़ा एक साथ डाल दे रही हूँ, 8-10 भी मैं एक साथ फ्राई कर ले रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो पहले एक बड़ा डालकर ही फ्राई करें, क्योंकि कई बार ना थोड़ा भी 19-20 होता है कुछ मेजरमेंट में, तो इधर उधर ना बड़ा ना छिटकने लगता है, यानी कि हम लोग के शरीर पर या हाथ पे थोड़ा सा ना तेल के छींटे आ सकते हैं। कई बार साबूदाना फट फट ऐसा भी करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बड़ा छान के निकालें तभी फिर पूरा डालें। मैं पहले भी बना चुकी हूँ तो मैं इतना सारा बड़ा एक साथ ही छान ली हूँ। तो बस आगे पीछे नॉर्मल फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और डीप फ्राई चाहिए तो इस टाइप से फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई चाहिए तो आप थोड़ा सा गोरा गोरा रहे कलर उस टाइप का ही निकाल लीजिएगा, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद आएगा, इसीलिए मैं डीप फ्राई करी हूँ। और साथ में है धनिया, टमाटर और हरी मिर्च और सेंधा नमक का चटनी और 1 ग्लास दे दी हूँ लस्सी। फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ गुड इवनिंग चाय के साथ में। तो अभी मेरा जस्ट भाई आया है, हम लोग जाने वाले हैं घूमने, और जो मैं आप लोग के साथ बड़ा वगैरह शेयर की ना, उसके बाद फिर मैं भी खाई और डोनट खाई, दवाई खाई, फिर मैं ना सो गई। जैसा कि पता है ना कि हाँ दवाई खाने के बाद मुझे नींद आता है, तो मैं सो गई। फिर शाम में उठी सीधा 5:30 बजे, फिर दिया बत्ती वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके बस ये रेडी हुई हूँ, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ऐसे ही घूमेंगे, भाई आया हुआ है तो अभी सिस्टर को लेंगे फिर जाएंगे। और वीडियो अभी शूट कर रही हूँ तो देख रही हूँ कान में कुछ भी नहीं पहनी हूँ, पहन लेती हूँ। हम लोग रेडी होने के बाद जस्ट घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम लोग मेरी सिस्टर को लेने के लिए। और आज मेरा भाई आया हुआ है रायपुर से, संडे का ब्लॉग है
तो हम लोग एक साथ घूमने के लिए ही जा रहे हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए। तो सभी लोग हम लोग बैठ गए गाड़ी में, मेरी सिस्टर को भी ले लिए। यहाँ पे है लड्डू, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत शूट की हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि म्यूजिक चल रहा है कार में, तो कॉपीराइट अभी बहुत जल्दी आ जा रहा है थोड़ा सा भी म्यूजिक होने से, इसलिए मैं डायरेक्ट पूरे वॉइस को ही म्यूट कर दी हूँ। हम लोग आ गए हैं सेक्टर 5 चौक में, ये सॉरी फालूदा खाने वाले प्लेस पर, और यहाँ पर ना कुछ और भी छोटे छोटे स्टॉल खुल गए हैं। अब पता नहीं नवरात्रि के कारण खुला है या ऐसे ही, कहीं घूमने भी नहीं गए, सबसे पहले फालूदा खाएंगे। और ये बेटी हमारी खाएगी सोना, देखो मैडम का मौसा जी का उपास है, लड्डू को गुपचुप खिला रहे हैं। और यहाँ पे सोना लिट्टी चोखा दबाते हुए, मेला से बेटर है कि थोड़ा सा साइड में खाने, क्योंकि ना मेला का ना सही नहीं रहेगा। हाँ इसीलिए मैं इसका बच्चे का गुपचुप खा ली। ये बच्चा गुपचुप बेच रहा है ना फ्रेंड्स, इसकी मम्मी है यहाँ पे, और दोनों भाई बहन अभी सिर्फ नवरात्रि के लिए स्पेशली यहाँ पर लगाए हैं। ये हम हैं, ये छोटू भैया भी गुपचुप खा के पानी पीते हुए छुपे हुए थे फ्रेंड्स। गुड्डू भी लिट्टी चोखा भी दबाते हुए, हे भगवान। गुड्डू आपसे तो मेरे को उम्मीद था कि पहले आप माता की दर्शन कीजिएगा, पहले भगवान फिर पेट पूज, लेकिन भगवान से मुलाकात भी नहीं अभी की है। पंडाल और भीड़ देखकर हम लोग का मन भर गया और हम लोग सीधा निकल गए कि पहले यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। सोना दीदी फिर से खा रही है गुपचुप। ये देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे है ऊंचा नीचा, यहाँ से चढ़ जाते हैं, और एक आध सोना दीदी के भी प्लेट से दबाएंगे, इसीलिए हम आए हैं। ये लिट्टी चोखा है ना, चटनी उटनी क्या 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 डाल के, मैदे से तो अच्छी है ना जो खा रहे हो। हाँ ये बात तो सही है, बाकी ठीक है, मेला में कुछ खाने से अच्छा इधर खा लिए। ये हेल्थ कॉन्शियस है, कुछ भी चीज दबाते रहता है, बस दूर नहीं है जब जया की सुरुडे मेरा चेहरा चमक रहा है समझी। हाँ मामा कोई देख रही है, बोल रही है मामा और मैं ही तो गोरे हैं इन लोग में। हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा, मैं ना बहुत प्यारा लड्डू का वीडियो बनाई हूँ और हम लोग का भी, देख रहे हो लड्डू यहाँ मस्त घूम रही है। मौसा जी इसका ध्यान रख रहे हैं क्योंकि उनका फास्ट है, उनको तो कुछ खाना नहीं है। और ये जस्ट हम लोग फालूदा के सामने खड़े हैं, और ये मेरी बहन बच्चे के मम्मी पापा, ये देखो फ्रेंड्स जूम करके दिखा रही हूँ, और मामा, ये तीनों दबाते हुए लिट्टी चोखा और गुपचुप मैं खा ली हूँ, उसके बाद मैं ना इस साइड आ गई हूँ। ये रही हमारी लड्डू रानी, घूम रही है। क्या कर रहे हैं लड्डू, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ
हाथ छोड़ा के उधर ही जाना है ना, भीड़ में ना ट्रैफिक में जाना है। चलो एक दिन तुम यहीं पर गाड़ी से घूमना, थोड़ी बड़ी हो जाना फिर। कहाँ कहाँ देखो ना, चाह क्या रह रही है। अच्छा मेरे पास आना चाह रही है। हाँ ट्रैफिक की तरफ ही जाना है। हर चीज अपने मुल्क में। क्या एक फाइट मार दो फिर आ जाइए। ये है मेरे हस्बैंड, नहीं खा रहे। मैं ऑलरेडी दूध का सिर्फ आइसक्रीम खा लो, दूध और रबड़ी, तो बोल रहे नहीं कुछ मिक्स होता होगा, मैं नहीं खाऊंगा। बाप रे हेलो चलो डर जाओ। वीडियो में भले देख ले, फोटो में बिल्कुल नहीं देखेगी। हाय बोल दो। हाय बोल दो लड्डू, अपने आप को बाद में सुलाना। हाय करो ना वो, देखो हाय मम्मा, हाय हाय सब देख रहे हैं। हाय बोलो हाय। अपने आप को देख रही है क्या? हाँ ये है फालूदा, ये बहुत पसंद है मुझे। रबड़ी लड्डू को खिला दूंगी एक बार, हाँ हाँ जो ठंडा ना रहे है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ऐसा ना पूना में भी नहीं मिलता, भिलाई का फालूदा बहुत टेस्टी है। थोड़ा फी खिला देखूं। यमी यमी है क्या? यमी खुश हो रही है भाई। अरे तो ये सनबर्न से बचाता है ना, ठीक है। गुली गुली तो सकता है। आगे जाते हुए मैं और वीडियो ली हूँ ना रील्स के लिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा टाइम लगता है, तब तक ये लोग चल देते हैं। हम लोग आए थे, लड्डू भी नहीं हुई थी उस समय। छाता वाला पिछले बार डिजाइन बना हुआ था ऊपर। अच्छा ये है, यहाँ आते थे ना। यहाँ पे हम लोग प्लान किए कि चलो सेक्टर 1 वाले में चलते हैं, बट क्राउड बहुत था, ये आप लोग देख सकते हैं। सेक्टर 1 वाले में झूला वगैरह भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन क्राउड बहुत था, तो फिर प्लान कैंसिल कर दिए कि कल आएंगे, बाइक से आएंगे और इसके बाद जाएंगे घूमने, क्योंकि मेरा भाई भी अंदर नहीं जा रहा था, तो फिर उसको भी अकेले छोड़ के जाना सही नहीं लग रहा था, यानी हम लोग घूमने जाते और वो कार में रहता। फ्रेंड्स ये ना भिलाई का ना स्टेडियम है, सेक्टर 1 वाला ये स्टेडियम है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना हुआ है स्टेडियम है, तो इसको भी मैं कैप्चर की हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रियली ये बहुत पसंद आता है। कोई मिलता नहीं है ग्रुप, नहीं तो ग्रुप के साथ आने लायक जगह है स्टेडियम। यानी कि पहले एक टाइम पे जब हम लोग कॉलेज से NCC ज्वाइन किए हुए थे तो यहाँ पर आते थे, तो पुरानी यादें हैं, जब भी देखती हूँ ना तो मुझे ध्यान आ जाता है। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं सुपेला, सिस्टर को घर पर ड्रॉप कर देंगे, इसके बाद फिर मेरे घर जाएंगे। बाय सोना दीदी। हाँ अभी तो हाँ अभी 9 भी नहीं बजा है।
फ्रेंड्स जस्ट अभी घर आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। मशीन में कपड़ा है उसको डालूंगी और फिर बनाऊंगी कुछ, देखते हैं क्या बनाऊंगी। ये सारे कपड़े ना वहाँ स्टैंड पे डाल दी हूँ, कुछ रेलिंग पे भी है तो ये है, और डोरमेट वगैरह भी यहाँ पे वॉश करके डाली हूँ और डोरमेट वहाँ ऊपर में भी है। हस्बैंड खाना भी खा लिए हैं, यानी कि जो बड़ा बनाई थी ना वो बड़ा ही दे दी थी छान के, ये देखिए। तो इस बीच में ये भी किए हूँ, शोज नहीं किए हूँ, सुबह तो आपको सब दिखाई ही हूँ। तो ऐसे ना मैं बना करके बड़ा फ्रिज में रख दी थी, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक कड़ी पत्ता है, तो ये मैं फ्रिज में बना के रख दी थी, इतना और बच गया। मैं एक पीस से एक भी एक्स्ट्रा नहीं खाई हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा दांत में चिपकता भी है और दूसरे के घर का अच्छा लगता है, यानी सोना के घर खाती थी ना तो अच्छा लगता था, मस्त चटनी से डुबाड़ हुआ खाती थी। खुद बनाई हो ना तो मुझे खुद खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हस्बैंड खाए हैं और ज्यादा तो नहीं खिलाएगा क्योंकि ऑयली है, तो वो आने के बाद चटनी और बड़ा खाए, बाकी बच गया है तो फ्रिज में रख दे रही हूँ। दही वाला बॉक्स ना फ्रिज से निकाल ली हूँ और इसमें जो पहले से जो दही है उसको इस कटोरी में शिफ्ट कर दूंगी और अगेन से नया दही जमाऊंगी। तो बस अभी वही प्रोसेस कर रही हूँ, जो दही बचा है उसको निकाल के इसमें रख दे रही हूँ और बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का, आप लोग देखिए बस इतना सा ही जोरन लूंगी, क्योंकि अभी पूरे रात दही जमने के लिए किचन में रहेगा और कल सुबह जब मैं सो के उठूंगी ना उसके बाद ही सीधा फ्रिज में रखूंगी। तो ज्यादा जोरन ली ना तो फिर खट्टा होने का भी चांसेस है, क्योंकि अभी ना गर्मी भी है। दूध को थोड़ा सा सुसुम करके, फ्रिज का डायरेक्ट ठंडा दूध नहीं, थोड़ा सा सुसुम करके फिर मैं यहाँ पे दही जमने के लिए रख रही हूँ। तो थोड़ा सा दूध और निकालूंगी बड़े वाले गन से और इस वाले बॉक्स को पूरा फुल करके फिर जमाऊंगी। यहाँ पे ना फ्रेंड्स क्लिप मिसिंग हो गया है, छाली निकाली हूँ। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, ये फ्रेश छाली जस्ट अभी निकाली हूँ, बट क्लिप ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया है बाय मिस्टेक, एडिटिंग के टाइम पे देखी हूँ कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये बड़े वाले गंज में से इतना सारा छाली निकला है, तो ऐसा ऐसा दो बॉक्स मेरे पास छाली हो चुका है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मे भी मैं घी निकालूं और आप लोग देखें क्लिप में। तो बस छाली निकाल ली हूँ तो इस बॉक्स को रख दे रही हूँ और फिर और दूध को सुसुम गरम करके इस गंज में अगेन से और दोबारा से फिर छाली जमने के लिए इस पूरे बॉक्स को फुल करके रख दी हूँ। नीचे थाली में पानी डाल के रख दी हूँ बाय मिस्टेक, ऐसे तो चीटी नहीं है लेकिन फिर भी दूध दही देखकर कहीं चीटी घूमने टहलने मेरे सोने के बाद आ गई रात में, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज से मैं थाली में ना पानी डाल करके रख दी हूँ ताकि ऐसा हो ना। अभी तक तो चीटी नहीं है किचन में बट फिर भी। और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा आटा गूंद ली हूँ, अपने लिए बनाऊंगी मैं रोटी, और सब्जी है मेरे पास फ्रिज में गरम करके सब्जी रोटी खा लूंगी। और हस्बैंड तो बड़ा पहले ही खा चुके हैं, यहाँ पे मैं हस्बैंड को देने के लिए दूध भी गरम कर रही हूँ तो उसको आटा वाले हाथ से नहीं छू रही हूँ उसको, मतलब 300 पर इंडक्शन पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं रोटी बना ले रही हूँ क्योंकि आटा अन है ना और वो अभी फास्ट है तो इसी हाथ से नहीं छू रही, बार बार मतलब नल से हाथ धो रही हूँ इसके बाद फिर। तो 300 पे है तो बॉयल होके दूध बाहर भी नहीं आएगा, तब तक मैं रोटी बना ली, जो भी था सिंक में प्लेट वगैरह डाल दी, बॉक्स को जगह पे रख दी और बेलने को भी पोंछ करके और फिर उसको भी रख दी जगह पे। थोड़ा बहुत जो भी आटे का डस्ट था वो सिंक में गिरा दी हूँ, इसके बाद हाथ धोकर और फिर दे रही हूँ हस्बैंड को पूरा फुल करके दूध। तो बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स और वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ स्टाइल को। तो बस यहाँ पे दूध दे रही हूँ, जो बाकी दूध बचेगा ना वो मैं पी लूंगी लास्ट में, क्योंकि मुझे भी मेडिसिन खाना रहता इस वजह से। सब्जी वगैरह मैं गरम कर रही हूँ, इंडक्शन पे सब्जी गरम हो रहा है, सिंक में जितने भी बर्तन निकले थे उनको मैं फटाफट वॉश कर ले रही हूँ। तो वैसे ही मैं कोई चीज का ना फिक्स टाइम नहीं रहता है, फटाफट जो रहता है सामने तुरंत का तुरंत काम करते चले जाती हूँ, जिससे कि ना बर्डन फील नहीं होता है। नहीं तो हर कोई हमारे जैसा ही फील करता है, एक बार बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता है कि हाँ ये काम करे वो काम करे। तो बस किचन के सारे बर्तन वॉश कर ली हूँ, थाली में रोटी और सब्जी भी रख ली हूँ, तवा भी गर्म है तो तवा को भी वॉश करूंगी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खाना उना खाने के बाद मैं अगेन से किचन में आई हूँ और आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म सारा बर्तन वगैरह वॉश हो गया है, सिंक भी धो ली हूँ, तवा भी धो दी हूँ और गैस वगैरह भी अच्छे से सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है।
और यहाँ पे मैं अपने लिए चॉकलेट वाला दूध ली हूँ, तो बस दूध पीऊंगी, दवाई खाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। और फ्रेंड्स एक चीज़ दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे ना मेरा दीपक अभी तक जल रहा है। नवरात्रि जब से स्टार्ट हुआ है पूरा सुबेरे से जो दीपक जलता है रात तक जलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं।